Hello everyone, welcome back to my channel Code Media. Today in this video, we're going to create the basic structure of our AI image generator using HTML and CSS. And in the next video, we're going to call our API from OpenAI and make our AI image generator work. So watch it till the end. Alright everybody, so let's create our AI image generator. Jaisa ki aap dekh sakte hain, yahan pe teen files hamare pehle se ready hain, HTML, CSS aur JavaScript. So just gonna go get started. Sabse pehle hum ek header tag banayenge. हेडर, उसके अंदर हम एक डिव टैग बनाएंगे जिससे हम क्लास दे देंगे कंटेंट. इसके अंदर हम बेसिकली एक h1 टैग बनाते हैं और उसे दे देते हैं यू नो वैल्यू AI इमेज जनरेटर. उसके बाद हम उसके अंदर हम एक पैराग्राफ टैग बना के लिखते हैं. हम लोग लिखेंगे कन्वर्ट योर टेक्स्ट इनटू ऑसम इमेजेस यूजिंग एआई यूजिंग दिस अमेजिंग एआई टूल. राइट, उसके बाद हम बेसिकली एक फॉर्म बनाते हैं जिसे हम क्लास दे देंगे फॉर्म. इसके अंदर हम एक इनपुट फील्ड बनाते हैं उसे हम आईडी दे देंगे इनपुट बॉक्स और हम एक प्लेस होल्डर दे देंगे. प्लेस होल्डर हमारा होगा डिस्क्राइब what you want to see in the image. और उसके बाद हम बेसिकली एक बटन बनाएंगे और उसे हम क्लास दे देंगे जेनरेट. उसे हम बेसिकली क्लास दे देंगे जेनरेट अंडरस्कोर btn और इससे हम वैल्यू दे देंगे जनरेट. राइट, तो अब इसे सेव करते हैं और देखते हैं क्या चेंजेस आए. व्हिच इज गोना गो लाइव एंड एज यू कैन सी यहाँ पे हमारा एक h1 हेडिंग आ रही है AI इमेज जनरेटर. उसके बाद एक पैराग्राफ टैग है जिसमें लिखा हुआ है कन्वर्ट योर टेक्स्ट इनटू ऑसम इमेजेस यूजिंग दिस अमेजिंग AI टूल और उसके बाद हमारा एक इनपुट फील्ड है और फिर हमारे पास एक बटन है. राइट, सो ये हमारा हो गया हेडर. नाउ हम अपनी मेन चीज बनाएंगे. फिर हम सबसे पहले एक मेन टैग बनाएंगे, उसके बाद हम इसमें एक डेव टैग ऐड करेंगे जिसे हम क्लास दे देंगे आईएमजी कार्ड. इसके अंदर बेसिकली कुछ नहीं होगा, हमारा एक इमेज होगा आईएमजी. उसके हिसाब से हम दे देते हैं, हमने एक इमेज सेलेक्ट की हुई है जिसका नाम था AI इमेज 1.jpg और यहाँ पे हम ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट में लिख देते हैं AI इमेज. उसके बाद हम एक डाउनलोड बटन बनाएंगे, सो जिसे हम कॉल ए. इसके अंदर हम एक इमेज बनाएंगे और इसे हम एसआरसी दे देंगे डाउनलोड बटन. राइट, सो बेसिकली इस इमेज एसआरसी को हम देंगे डाउनलोड .jpg. राइट, और यहाँ पे हम इसके ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट में लिख देंगे DOUN डाउनलोड बटन. फाइन, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी एक इमेज आ चुकी है और उसके बाद एक डाउनलोड बटन है. ऑल राइट, सो बेसिकली हम इसी को एक बार कॉपी कर लेते हैं और फिर हम इसे पेस्ट कर देंगे. और बेसिकली इस बार हमें क्या करना है, यहाँ पे दूसरी इमेज लेनी है. सो इमेज 2.jpg और जैसा कि आप देख सकते हैं दूसरी इमेज है और यहाँ पे हमारा एक डाउनलोड बटन है. सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज हमारा HTML पार्ट कंप्लीट हो चुका है. Now we are just going to style this whole document.
So let me link my CSS file. और अब हम चलते हैं अपने CSS पे. So the first thing we're gonna do is margin 0, padding 0, box sizing, border box, और जितने भी font होंगे हमारे उसे हम रखेंगे sans serif. So let's see. जैसे कि आप देख सकते हैं ये सब कुछ जिसमें सारे मार्जिन जीरो हो चुके हैं, पैडिंग जीरो हो चुकी है, तो ये सब एकदम एक दूसरे से सट चुका है बहुत ज़्यादा. और हमारा जो फॉन्ट है वो बेसिकली सैंस सेरिफ हो चुका है. ओके, सो नाउ बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम लोग अपने हेडर को सेलेक्ट करेंगे और उसे हम बेसिकली डिस्प्ले दे देंगे फ्लेक्स और अलाइंग आइटम्स टू सेंटर एंड जस्टिफाई कॉन्टेंट टू सेंटर, राइट. और अब हम इसे एक बैकग्राउंड इमेज दे देते हैं, बैकग्राउंड URL. अब URL बेसिकली हम लिंक कहाँ से, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बेसिकली जो हम लोग इमेज देने वाले हैं वो मैंने यहाँ सेलेक्ट की हुई है. जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने बस गूगल किया AI बैकग्राउंड इमेजेस और मुझे ये वाली इमेज ज़्यादा अच्छी लगी. सो आई एम जस्ट गोना कॉपी द इमेज एड्रेस और हम बेसिकली यहाँ पे आके इसे पेस्ट कर देंगे, राइट. सो जैसे ही हम सेव करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा इसके बैकग्राउंड में हमारी इमेज आ चुकी है. सो हम बेसिकली करने क्या वाले हैं, इसकी हाइट को डिफाइन करेंगे. सो हाइट इज गोइंग टू बी 40 VH व्हिच इज व्यू पोर्ट हाइट. तो इतना सही रहेगा. अब हम बेसिक, अब जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने उसे डिस्प्ले फ्लेक्स दिया था, तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें लिखी हुई जैसे AI इमेज जनरेटर और ये सब जो हमारा पैराग्राफ टैग था, उसके बाद जो फॉर्म था, वो सारी चीज़ें सेंटर में आ चुकी हैं, राइट. और बेसिकली यहाँ पे हम एक और चीज़ें ऐड करेंगे, जैसे कि हमारा जो बैकग्राउंड है उसे हम पोजिशन दे देंगे सेंटर और हमारा जो बैकग्राउंड साइज होगा वो हो जाएगा कवर और हमारा बैकग्राउंड रिपीट. हम इसे बिल्कुल भी रिपीट नहीं कराना चाहते हैं, सो नो रिपीट, लेट्स सेव इट. एंड एज यू कैन सी ये इमेज पूरी अच्छे से आ रही है कवर होके और एक बार भी ये इमेज रिपीट नहीं हो रही है, सो दैट्स प्रीटी गुड. लेट्स मूव ऑन. अब हम बेसिकली अपने हेडर टैग के अंदर जो हमारा H1 एलिमेंट है उसे स्टाइल करेंगे. सो वट इज़ गोना राइट फॉन्ट साइज जो हमारा हो जाएगा फॉन्ट साइज हम उसे दे देंगे 40 pixels और टेक्स्ट अलाइन जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा सेंटर और उसके बाद कलर जो होगा हमारा हम उसे वाइट कर देते हैं. सो FFF. Yeah, let's see. So, जैसे कि आप देख सकते हैं AI image generator आ रहा है बहुत ही अच्छी तरीके से. Now what we're going to do is हम basically header के अंदर ही जो हमारा है paragraph tag हम उसे select करेंगे और उसके अंदर हम basically लिखेंगे font size जो होगा इनका वो हो जाएगा 20 pixels और इसका भी color हो जाएगा हमारा white. So FFF. उसके बाद हम इसे भी टेक्स्ट अलाइन कर देंगे टू सेंटर. सो एज यू कैन सी ये बहुत ही अच्छे तरीके से आ रहा है. बेसिकली हमें क्या चाहिए, थोड़ा सा टॉप से मार्जिन चाहिए हमें, थोड़ा टॉप से, राइट. सो वी जस्ट गोना राइट मार्जिन फ्रॉम टॉप, लेट्स गो ओवर 12 pixels. अब इसमें थोड़ा मार्जिन आ गया तो ये ज़्यादा सही लग रहा है, राइट. अब हम बेसिकली करने क्या वाले हैं कि हम फॉर्म को सेलेक्ट करेंगे. सो हेडर के अंदर ही हमारा जो फॉर्म है डॉट फॉर्म हम उसे सेलेक्ट करेंगे. सो बेसिकली हम इसके साथ क्या करने वाले हैं कि हम इससे बैकग्राउंड देंगे, बैकग्राउंड कलर जो हमारा होगा वो जाएगा इधर और हम इसे हाइट देंगे, हाइट हो जाएगी हमारी 50 pixels
और हम इससे डिस्प्ले दे देंगे फ्लेक्स, डिस्प्ले के बाद फ्लेक्स हमें फिर अलाइन आइटम्स टू सेंटर, और हमारा जस्टिफाई कंटेंट होगा हम उसे दे देंगे स्पेस बिटवीन। ऑलराइट, लेट्स सी हमारा फॉर्म इस तरीके से आ रहा है। यू नो, सो बेसिकली हमने यहाँ पे गलती क्या की है कि जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हेडर के अंदर हमने जो डिव टैग बनाया था जिसमें हमने क्लास दिया था कंटेंट, उसके अंदर है बेसिकली सारी चीजें, राइट, एच वन पैराग्राफ टैग और हमारा फॉर्म। सो बेसिकली हम यहाँ लिख कह सकते हैं कि हेडर के अंदर हमारा है डॉट कॉन्टेंट, उसके अंदर हमारा एच वन है, उसके बाद इसके हेडर के अंदर भी हमारा है डॉट कॉन्टेंट, उसके अंदर हमारा पैराग्राफ टैग है, उसके बाद हमारा हेडर के अंदर डॉट कॉन्टेंट, उसके बाद है हमारा डॉट फॉर्म, राइट। ऑलराइट, सो बेसिकली यहाँ पे हमने कर दिया डॉट कॉन्टेंट डॉट फॉर्म। अब हम इसे अगर सेव करें, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हाइट इसकी 50 पिक्सल्स है और ये पूरा बैकग्राउंड जो है इसका वो वाइट हो चुका है। सो नाउ बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज हम इसे बॉर्डर रेडियस भी दे देते हैं। सो बॉर्डर रेडियस इज गोइंग टू बी ऑलराइट, सो हम इसे बैकग्राउंड रेडियस दे देते हैं 30 पिक्सल्स का। सो अब ये थोड़ा सही लग रहा है। नाउ बेसिकली व्हाट वी वांट इज हम ऑलराइट, सो बेसिकली अब हमें क्या करना है कि हम यहाँ पे हेडर को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हमारा डॉट कॉन्टेंट, उसके बाद हमारा डॉट फॉर्म, उसके बाद हमने क्या था एक इनपुट फील्ड थी हमारी, राइट, जिससे हमने आईडी दी थी INP_box, राइट, आई गेस यही था। जैसे क्या देख सकते हैं यहाँ पे आईडी था हमारा INP_box, सो उसे हमने सेलेक्ट किया। बेसिकली अब हम यहाँ पे इसकी हाइट को डिफाइन करेंगे, हाइट जो हो जाएगी हमारी वो हो जाएगी 40 पिक्सल्स, उसके बाद हमने पैडिंग ले ली लेफ्ट से 10 पिक्सल्स, राइट। सो अगर हम यहाँ पे पैडिंग ले लें 10 पिक्सल्स की, सो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर हम कोई भी चीज़ टाइप करेंगे तो हमारे इनपुट फील्ड में यहाँ पे 10 पिक्सल्स का गैप आ रहा है, सो इसलिए हमने वहाँ पे लिखा था पैडिंग। अब हम बेसिकली करने के हवाले हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो इनपुट फील्ड है वो हमारे फॉर्म के जो बैकग्राउंड है उससे थोड़ा बाहर आ चुका है। सो बेसिकली हम करेंगे क्या कि हम डॉट फॉर्म में भी इसे पैडिंग दे देंगे फ्रॉम लेफ्ट, लेट्स गो ओवर 20 पिक्सल्स। सो अभी जो हमारा है वो फॉर्म के अंदर आ चुका है, राइट। सो अब हम क्या करने वाले हैं कि फॉर्म के फॉन्ट साइज को बढ़ाएंगे, font size is going to be let's go with 20 pixels, right, और हम इसके width को बढ़ाएंगे, so width जो हमारी max width होगी वो हम दे सकते हैं इसे 300 pixels, and हमारा जो width हो जाएगा वो हो जाएगा 100%, राइट, इसे थोड़ा और बढ़ाते हैं, लेट्स गो विथ मैक्स विड्थ कर देते हैं 500 पिक्सल्स, ऑलराइट, ये थोड़ा सही लग रहा है। और अब हम क्या करेंगे कि हम इसे बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर रेडियस नहीं, बॉर्डर कर देते हैं हम इससे नन, और आउटलाइन जो होगी हमारी वो हो जाएगी नन। सो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है कि यहाँ पे बॉर्डर बिल्कुल नहीं आ रहा है, और अगर ये ऑटो फोकस पे नहीं है और अगर आप इस पर क्लिक भी करेंगे तो भी इसके बॉर्डर को हम हाईलाइट नहीं कर पाए। सो बेसिकली इसीलिए होता है आउटलाइन जो हमारी होती है हम उसे नन कर देते हैं। सो बेसिकली जब भी आप इस पर क्लिक करेंगे या फिर ऑटो फोकस होगा तो हमारा जो बॉर्डर होगा वो शो नहीं होगा। सो ये थोड़ा सही लग रहा है ना। अब हम स्टाइल करेंगे अपने बटन को, राइट, सो फिर से हम सेलेक्ट करेंगे हेडर डॉट कॉन्टेंट डॉट फॉर्म, फिर हमारा आ जाएगा बटन, उसे हमने क्लास दिया हुआ था जनरेट अंडरस्कोर btn, राइट। ऑलराइट, सो अब हम इसे बेसिकली करने के हवाले हैं कि हम इसे हाइट दे देंगे
हाइट हमारी जो होगी वो सेम होगी हमारे फॉर्म की जो हाइट हमने दी थी डिफाइन की थी 50 pixels, राइट। सो हमारा बटन की भी जो हमारे बटन है उसकी भी हाइट जो होगी हमारी वो होगी 50 pixels, राइट। सो आप देख सकते हैं ये पूरा वेयर जो हाइट हमारा ये पूरा कवर कर रहा है इसको। नाउ हम बेसिकली करने के वाले हैं वी आर जस्ट गोइंग टू ऑलराइट, हाइट के बाद हमारा जो फॉन्ट है हम उसे चेंज करते हैं। सो फॉन्ट साइज हमारा हो जाएगा सेम एज जो हमारा इनपुट का था, फॉन्ट साइज हमारी हो जाएगी 20 pixels और हमारा जो कलर हो जाएगा वो हम इसे दे देंगे वाइट। सो एज लेट्स सी, हमने इसके बैकग्राउंड कलर डिफाइन नहीं किया, सो जिस कलर डिफाइन आवर बैकग्राउंड कलर जो कि हमारा थोड़ा ब्लूइश टाइप होगा, राइट, लेट्स गो विद दैट। सो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके बैकग्राउंड कलर को भी हमने थोड़ा ब्लू टाइप कर दिया है। सो और हमने इसे यहाँ पे इसे पैडिंग भी देनी पड़ेगी, राइट। सो वी जस्ट गोना गो विद पैडिंग ऑफ 5 pixels, 5 pixels। अब ये थोड़ा सही लग रहा है और हम क्या करेंगे कि हम इसे बॉर्डर रेडियस दे देंगे, बॉर्डर टॉप राइट रेडियस हम कर देंगे इसे सेम जो हमारा इसका रेडियस था। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बॉर्डर रेडियस था हमारा 30 पिक्सल्स का, राइट, तो हम इसे भी बॉर्डर रेडियस कर देंगे 30 pixels और फिर हम सेम बॉर्डर जो होगा हमारा बॉटम लेफ्ट बॉटम राइट रेडियस वो हो जाएगा हमारा 30 pixels, राइट। तो अब आप देख सकते हैं हमारा ये जो बटन है ये बहुत अच्छे तरीके से आ रहा है। नाउ बेसिकली हमें करना क्या है कि हम पैडिंग थोड़ी और बढ़ा देते हैं, सो लेट्स गो विद 10 pixels एंड 10 pixels, राइट। सो अब ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब हम करने क्या वाले हैं बेसिकली कि हम अपने पूरे फॉर्म को जो है वो टॉप से मार्जिन दे देंगे, सो मार्जिन फ्रॉम टॉप, हम लेट्स गो विद 10 pixels। सो हमें 10 pixels की मार्जिन मिल गई है और ओवरऑल हमारा जो ये पूरा फॉर्म है ये बहुत अच्छे तरीके से आ रहा है। सो अगर हम यहाँ पे कुछ भी न्यू डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं लाइक, सो यहाँ पे हम कोई भी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं जैसे मैन लॉस इन द, कोई भी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं जैसे मैन लॉस इन द डार्क वर्ड्स, राइट। कोई भी हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, आपको जैसे जो भी इमेज में आपको देखना है वो आप यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं। और हम बेसिकली करने के वाले हैं यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे बटन का जो है वो बॉर्डर है तो हम उसे हटा देते हैं। सो हमारे बटन का जो बॉर्डर है हम उसे सेम कलर दे देंगे जो कि हमारा बैकग्राउंड कलर है, तो हमारे यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बॉर्डर है वो भी एकदम इसके बैकग्राउंड कलर जैसा ही हो चुका है, राइट। सो अब जो हमारा ओवरऑल हेडर है पूरा वो अच्छा लग रहा है। बेसिकली अब हम क्या करने वाले हैं कि हम अपने हेडर को एक बैकड्रॉप फिल्टर दे देते हैं, राइट। सो वी आर जस्ट गोना गो ओवर हेडर और हमें इस पूरे हेडर को एक पूरे हेडर को नहीं, हम यहाँ पे अपने डॉट कॉन्टेंट को एक बैकड्रॉप फिल्टर दे देते हैं, बैकड्रॉप फिल्टर, ब्राइटनेस हम कर देते हैं 40%, राइट। ओके, सो बेसिकली हमें करना क्या था कि ये हमने H1 में डिफाइन कर दिया था, राइट। सो हम यहाँ पे लिखेंगे हेडर और उसके अंदर हमारे डॉट कंटेंट है, हम उस पूरे कंटेंट को कर देंगे बैकड्रॉप फिल्टर जो है हमारा ये, राइट। सो बेसिकली हमें करना क्या है कि हम यहाँ पे पैडिंग फिर हमें लेनी पड़ेगी। सो पैडिंग जो होगा हमारा वो हो जाएगा
10 pixels. और भाई थोड़ी और पैडिंग लेते हैं, लेट्स गो विद 20 पिक्सल्स एंड 20 पिक्सल्स राइट। और हम इसे भी बॉर्डर रेडियस देते हैं, सो बॉर्डर रेडियस इज गोइंग टू बी 12 पिक्सल्स राइट। सो हमारा जो ओवरऑल हेडर है वो अच्छा लग रहा है। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है AI इमेज जनरेटर, और हमने यहाँ पे एक काइंड ऑफ डिस्क्रिप्शन भी दे दिया है कि कन्वर्ट योर टेक्स्ट इनटू ऑसम इमेजेस यूजिंग दिस अमेजिंग AI टूल। और उसके बाद हमारा यहाँ पे पूरा फॉर्म है राइट। हम इससे थोड़ी और मार्जिन दे देते हैं हमारे पूरे फॉर्म को राइट। सो यहाँ पे हमने 10 लिखा हुआ है राइट, यहाँ पे 20 लिख देते हैं। सो अब ये ज़्यादा सही लग रहा है। सब आप बेसिकली यहाँ पे कोई भी चीज़ें डिस्क्राइब कर सकते हैं, और फिर उस जनरेट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको इमेजेस जनरेट होकर मिलने लगेंगे राइट। तो हमने हेडर जो है हमारा पूरा स्टाइल कर लिया है। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हमारा जो मेन है, मेन टैग के अंदर जितने भी चीज़ें हैं, जैसे इमेज कार्ड हो गया हमारा, और जो हमारी मेन इमेज है ये डाउनलोड बटन है, अब हम इसे स्टाइल करेंगे। अब हम बेसिकली अपना स्टाइल करेंगे मेन टैग को। सो इट्स गोइंग टू राइट डिस्प्ले, इट्स गोइंग टू बी फ्लेक्स, और हमारा अलाइन आइटम्स टू सेंटर एंड जस्टिफाई कॉन्टेंट टू सेंटर राइट। सो ये हमारी दोनों इमेजेस जो हैं वो सेंटर में आ चुकी हैं, बट बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे कि ये एक दूसरे के ऊपर और ये थोड़ी सी इमेज कट गई है, ऐसे ही हो रहा है राइट। सो हमें बेसिकली ये नहीं चाहिए। सो व्हाट वी गोइंग टू डू इज, अब हम मेन ज़्यादा कुछ नहीं करने वाले, अब हम करेंगे अपने इमेज कार्ड के ऊपर राइट। सो वी आर गोइंग टू राइट मेन डॉट img कार्ड, और हम इसे क्या करेंगे कि हम इसे हाइट दे देंगे। हाइट इज गोइंग टू बी लेट्स से 200 पिक्सल्स एंड हम इसे विड्थ देंगे 100 पिक्सल्स और 150 पिक्सल्स राइट। और इसके अंदर जो हमारा मेन के अंदर डॉट img कार्ड के अंदर जो हमारा मेन इमेज है, इमेज को हमने शायद कोई क्लास नहीं दिया राइट। इस इमेज को हमने कोई क्लास नहीं दिया, तो इसके अंदर जो हमारा इमेज है हम इसे यहाँ पे क्लास दे देते हैं, लेट्स कॉल इट img एंड हम इसे भी क्लास दे देते हैं img। और हम यहाँ पे स्टाइल करेंगे अपने डॉट img को, इसकी जो हाइट होगी हमारी हो जाएगी 100% और विड्थ जो हो जाएगी हमारी हो जाएगी 100%। और हम बेसिकली यहाँ पे इसे दे देंगे ऑब्जेक्ट फिट कवर, और हम यहाँ पे इसे दे देंगे एस्पेक्ट रेशियो 1:1 सो बेसिकली यहाँ पे गलती क्या हुई थी कि हमने यहाँ पे img की जगह img लिख दिया था, img एंड नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू गो विद img राइट। अब जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर जो हमारा img कार्ड था उसने हमें हाइट दी हुई थी 200 पिक्सल्स और विड्थ दिया हुआ था 150 पिक्सल्स, तो उस हिसाब से हमारी इमेजेस आ रही हैं राइट। हमें और थोड़ा इंक्रीज करना चाहिए हाइट और विड्थ राइट। सो we're just gonna go with 280 pixels. Now basically image थोड़ी सही लग रही है राइट। सो we're just gonna go with that. And अब हम बेसिकली करेंगे क्या कि हम अपने मेन टैग को थोड़ी मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन फ्रॉम टॉप we're gonna go with 20 pixels. तो यहाँ पे मार्जिन आ चुकी है 20 पिक्सल्स की, थोड़ी और मार्जिन लेते हैं, सो लेट्स गो विद 100 पिक्सल्स, लेट्स गो विद 100 पिक्सल्स।
सो 100 पिक्सल सही लग रहा है. सो नाउ व्हाट वी वांट इज हमें इसे गैप देना पड़ेगा राइट, क्योंकि इमेजेस आपस में बहुत ज़्यादा सटी हुई है. सो इट्स गोना गो विद गैप, हम इसे दे देंगे 12 पिक्सल्स का. लेट्स इंक्रीज द गैप, गो विद 22 पिक्सल्स. ऑलराइट, ये ज़्यादा सही लग रहा है. और हम बेसिकली करने के वाले हैं, इमेज काट के हमारी जो इमेज है उसे हम बॉक्स शैडो दे देंगे. सो बॉक्स शैडो इज गोइंग टू बी 0 0, 40 पिक्सल्स, 10 पिक्सल्स राइट. सो ये हमारे अच्छे से इमेजेस तो आ रही हैं, बट हमें अब क्या करना है बेसिकली कि हमें अपने डाउनलोड बटन को अब थोड़ा स्टाइल करना है राइट. सो डाउनलोड बटन के लिए हम क्या करेंगे कि IMG कार्ड पे हम इसे कर देंगे पोजीशन जो होगी हमारी रिलेटिव, और हम अपने डाउनलोड बटन को मेन डॉट IMG कार्ड डॉट डाउनलोड BTN राइट. So we can just go with A, our anchor tag. So हम इसे basically position दे देंगे relative, position दे देंगे इसे हम absolute, और हम bottom से लेंगे 12 pixels, और right से लेंगे 12 pixels. और हमने जो इसमें इसके अंदर इमेज डिफाइन की हुई है उसे तो हमने कंसिडर ही नहीं किया. सो विल गो विथ मेन डॉट IMG कार्ड AIMG. इसके अंदर जो हमारी इमेज होगी उसकी जो हाइट होगी बेसिकली हमारी वो हो जाएगी 22 पिक्सल्स, और ब्रेथ जो हो जाएगी वो हो जाएगी 22 पिक्सल्स राइट. और इसे भी हम हाइट दे देते हैं 34 पिक्सल्स, और वेट दे देते हैं 34 पिक्सल्स, और इसे हम बॉर्डर रेडियस दे देते हैं 50%. सो बेसिकली एक पूरा सर्कुलर बटन आएगा राइट. लेट्स सी, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेज तो आ रही है बट इट्स नॉट इन सर्कुलर फॉर्म. और सो बेसिकली यहाँ पे किया क्या हमने कि अपने एंकर टैग को हमने बैकग्राउंड नहीं दिया राइट. सो बैकग्राउंड कलर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा वाइट. लेट्स गो विद दैट. अब जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो हमारा है, सो बेसिकली करते क्या है कि इस इमेज को हम क्लास दे देते हैं इमेज राइट, और इसे भी हम दे देते हैं इमेज, क्लास हो जाएगा हमारा, हो जाएगा इमेज राइट. और हम यहाँ लिखते हैं नॉट IMG, हम लिखेंगे डॉट इमेज. सो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा डाउनलोड बटन जो है ये हमारे एंकर टैग के थोड़ा मतलब हमारा टॉप लेफ्ट साइड में आ रहा है राइट. सो इसका बेसिकली कारण ये है कि हमने अपने एंकर टैग को डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं दिया था राइट. सो डिस्प्ले हमारा हो जाएगा फ्लेक्स, और जस्टिफाई कॉन्टेंट टू सेंटर एंड अलाइन आइटम्स टू सेंटर. अब आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे हमारा डाउनलोड बटन भी आ रहा है. और राइट, सो बेसिक हमने अपना पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया. AI इमेज जनरेटर हमने पूरे अच्छे तरीके से बना दिया है. जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा हेडिंग है, उसके बाद हमारा एक पैराग्राफ टैग है, उसके बाद हमारा जो मेन यू नो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है हमारा बेसिकली यहाँ पे हम आप कोई भी अपनी इमेज को डिस्क्राइब करेंगे, उससे फिर जनरेट बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपकी इमेजेस जनरेट होकर आने लगेंगे. और यहाँ पर आपको डाउनलोड करना हो तो आपके लिए डाउनलोड बटन भी दिया हुआ है. Alright, so I see you guys in the next video. Alright everybody, that's it for today. Thanks for watching. If you like the content I make, please consider subscribing to my YouTube channel. You can also follow me on my Instagram, Twitter, and LinkedIn. And don't forget to check out this playlist.